हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैं कल की क्लास में आपको चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवा चुका हूँ। एक चर का द्विघात समीकरण के हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन कर लिया, जहां पर मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनते थे उन सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करा दिया हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको पार्ट 2 के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो आज जुड़ जाइए मेरे साथ और आज के सेशन का आनंद उठाइए। देख लो, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं टेक्स्टबुक से डिस्कशन करता हूं कक्षा 10वीं विषय गणित को। और आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो क्या, अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण भाग 2। भाग 2 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा-सीधा हम बढ़ना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, ये रहा हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन, जो 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये 2 नंबर के लिए ही पूछे, कभी कभी ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज को अच्छे से बारीकी से नोट करते हुए चलना, बिल्कुल आपके पास पेन और कॉपी होनी ही चाहिए। आ जाइए, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो बोला क्या है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। हमें यहां पर एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण में एक से के 2 मान मिले गए हैं, और हमें जांचने के लिए बोला गया है कि ये जो समीकरण के मूल है अथवा कि नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, देखो, जो एक से कम, जो हमें 2 मान दिया गया ना, उन दोनों मानों को हम एक एक करके दिए गए वर्ग समीकरण में रखेंगे और उसको हल करेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो दिए गए जो एक से कम मान है वह समीकरण का मूल हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आया तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले मैं अपने बोर्ड को 2 भागों में बांट देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा बन सकता है, ठीक है, आ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा तो लंबा बनेगा, ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, मुद्दा ये है कि इसको हल कैसे करेंगे। देखो, मैंने यहां पर लिखा हल, देखिए, तो सबसे पहले लाइन में हम करेंगे क्या, जो हमें समीकरण दिया है बच्चों उसी को मैं एक लाइन लिख लेना चाहूंगा, ठीक है। तो पहले लाइन में मैंने लिखा है, दिया है समीकरण, क्या हमें समीकरण दिया गया है, 2x² + x - 6 = 0, ये हमें समीकरण दिया गया, बिल्कुल दिया गया, ठीक है सर। चलिए, हमें यह पूछा गया था कि एक सेकंड, हमें जो 2 मान मिले हैं वो समीकरण के मूल है कि नहीं, तो एक एक करके मैं बात करूंगा। तो मैं 1 = 2 दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में रख दूंगा और मुझे दायां पक्ष मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला है, चलो मैं पहले आपको मैं लिख के बता देता हूं। देखो, 1 = 2, 1 = 2 मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 1 = 2 यहां पर क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो 1 = 2 दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, पक्ष में रखने पर, ठीक है, चलो पक्ष में रखने पर, देखिए, तो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो, चलो हमें क्या मिलेगा, चलो इसको हल करते हैं। देखो, तो देखो यहां पर 2x² है, मैं बोल रहा हूं कि x की जगह रखना है 2, तो 2 को लिखा, x का मान क्या रखना है, 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2, घात में 2 है तो घात में लगाया मैंने 2, प्लस है तो प्लस, x की जगह रखना है 2, तो 2 रखा पहले मैं, फिर यहां पर हो जाएगा √6 = 0। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो पहले मैं ब्रैकेट को हल करना चाहूंगा, 2 की घात 2 है, मतलब कि ये हो जाएगा 4, 4 का गुणा करेंगे 2 से तो 4 × 2 हो जाएगा 8, बिल्कुल हो गया 8, ठीक है। बराबर के बाद 0 लिखना, बराबर के बाद यहां पर गलती होगी ना, बराबर के बाद 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि बराबर के बाद हम 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि हम समीकरण के बाएं पक्ष में काम कर रहे हैं, तो बराबर के बाद यहां पर 0 तो रखना ही नहीं है। चलिए, तो यहां पर लिख देना बराबर का चिन्ह, चलो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये हो गया 8, फिर ये हो गया +2 - 6, ठीक है बच्चों, बिल्कुल यहां तक की क्लियर है सर। फिर क्या करेंगे, पहले हम धन वाले को जोड़ लेते हैं, तो 8 और 2 को जोड़ा तो 10 हुआ, 10 में हम 6 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 4, क्या मिल चुका, 4 मिल चुका। अब मुझे यह बताइए कि जो हमें 4 मिला है वो दिए गए समीकरण का हमें दायां पक्ष मिला है कि नहीं, दोनों पक्ष बराबर होंगे कि नहीं। तो बच्चों, बराबर के बाद यहां पर दिया गया था 0 और हमारा उत्तर क्या आया है, 4 आया है, अतः 1 = 2 दिए गए समीकरण के मूल नहीं होंगे, ये आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को हम लिखना चाहेंगे, ठीक है, पर इसलिए हम यहां पर ये लिखेंगे कि 1 = 2 दिए गए समीकरण के मूल नहीं है,
दिए गए समीकरण समीकरण के मूल नहीं है, यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना होगा। बिल्कुल सर, कहानी यहां तक की क्लियर है। तो एक से बराबर दो के लिए हमने चेक कर लिया है, अब हम चेक करेंगे एक से बराबर ऋण तीन बटा दो के लिए। बिल्कुल कर देंगे, आ जाओ देख लो। तो यहां पर मैं फिर से लिखूंगा, इसी लाइन को फिर से लिखूंगा, दो की जगह हम क्या चिपका देंगे, ऋण तीन बटा दो लिख देंगे। तो दिए गए एक से बराबर ऋण तीन बटा दो दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर, चलो रख देते हैं रखने पर, समीकरण में रखने पर, यानी कि दिए गए समीकरण बाएं पक्ष में रखेंगे ना, दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में यहां पर लिख देना है, बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में, क्योंकि हम बाएं पक्ष में रखेंगे और बाएं पक्ष को हल करेंगे और देखेंगे कि दाएं पक्ष आ रहा है कि नहीं। तो दिए गए समीकरण का दाएं पक्ष, बाएं पक्ष क्या है, देखो बाएं पक्ष है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स है, ठीक है, यह है हमारा दिया गया समीकरण का बाया पक्ष। यहां पर यह धन नहीं है, ऋण है, ठीक है, यहां पर यह ऋण हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऋण छह। बिल्कुल, चलो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो x की जगह हमें रखना है ऋण तीन बटा दो, तो दो हो जाएगा, x की जगह रखना है तीन बटा दो की घात में लग जाएगा दो, क्योंकि घात में दो है, प्लस है तो प्लस, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, तो एक से बराबर रखना ऋण तीन बटा दो, ऋण तीन बटा दो मैंने रखा, फिर ऋण छह है तो ऋण छह मैंने लिखा। चलिए इसको आगे हल करते हैं। देखो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहूंगा, तो ऋण की घात में दिख रहा है दो, दो क्या है, सम संख्या है, तो अगर आपको दिख गया सम संख्या मतलब कि ये तो आएगा धन में, ठीक है सर, बिल्कुल। अब जो घात में दो है वो तीन का भी है और चार का भी है, सॉरी दो का भी है, तो तीन का हम पहले करेंगे वर्ग, ये हो जाएगा नौ, दो का करेंगे वर्ग तो ये हो जाएगा चार, तो ये ऐसा लिख सकता हूं क्या, दो गुना नौ बटा चार, मैंने क्या किया वर्ग कर दिया है, ब्रेकेट वाला का क्या कर दिया वर्ग कर दिया। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। फिर धन का गुणा हम करेंगे ऋण से, तो ये हो जाएगा ऋण तीन बटा दो, फिर ऋण छह अपनी जगह पर लिखा गया, लिखा गया बिल्कुल, फिर दो एकम दो, दो दूनी चार, दो निपट गया, तो हमें क्या मिल गया नौ बटा दो, क्या मिला नौ बटा दो मिला, ऋण तीन बटा दो अभी भी बचा हुआ है और ऋण छह भी बचा हुआ है। चलिए इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हल करने का सिंपल मेथड यह होता है कि इस केस में आप हर को एक समान कर लो, हर को एक कर लो, तीन आपको भिन्न दिख रहा है, तीनों भिन्नों के हर को बराबर कर लो, ठीक है बच्चों, कर लेंगे। देखो यहां पर दो, यहां पर भी दो, यहां पर भी कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है, तो मैं इसके हर को बराबर करूंगा, तो यहां पर लिखूंगा दो, यहां पर क्या लिखूंगा दो लिखूंगा, दो यहां पर मैं जब बटे में लिख रहा हूं तो गुणा में भी मुझे दो लिखना पड़ेगा, तो छह का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा बारह, बारह बटा दो लिखा जाएगा। तो ऐसा करने से फायदा क्या मिलेगा, ऐसा करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, देखो मैं एक लाइन इसको और हल कर देता हूं। देखो ये 9 बटा 2 अपनी जगह पर लिखा गया, माइनस 3 अपॉन 2 अपनी जगह पर लिखा गया, माइनस 6 अपॉन 2 मैंने यहां पर 2 का भाग किया है तो मुझे 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, 2 का भाग किया मैंने तो 2 का गुणा भी कर दूंगा, ठीक है सर, बिल्कुल कर दिया। अब इसको क्या हल करेंगे, देखो चलिए आ जाओ देखो, तो देखो यहां पर हर समान हो चुके हैं, हर क्या हो चुके हैं, समान हो चुके हैं, तो यहां पर हमें फायदा क्या मिलता है, लघुत्तम तो आएगा दो, लघुत्तम को आएगा दो, ऊपर को बस चिन्ह सहित उतार देना है, तो नौ फिर ऋण तीन, फिर ये हो जाएगा ऋण छह का गुणा करेंगे दो से तो ऋण बारह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण सॉरी नौ ऋण तीन, फिर यहां पर ऋण बारह हो जाएगा, ये हो गया ऋण बारह। चलिए ठीक है ना, सही से लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा है। अब हम ऋण वाले को पहले जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा नौ, फिर ऋण बारह और ऋण तीन ये दोनों जुड़कर हो जाएगा ऋण पंद्रह, बटे में आ जाएगा ये दो, ठीक है, यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए तो पंद्रह में अब हम छह को घटाने वाले हैं, सॉरी नौ को घटाने वाले हैं, पंद्रह में जब हम नौ को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए बच्चों, पंद्रह में जब हम नौ को घटाएंगे तो हमें यहां पर मिलने वाला है ऋण छह मिलेगा, ठीक है। ऋण क्यों मिला है, क्योंकि पंद्रह जो है वो बड़ी संख्या है और पंद्रह के सामने में ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, बटे में आ जाएगा दो, दो एकम दो, दो तीन छह, तो ये हो जाएगा ऋण तीन, क्या मिल चुका बच्चों, ऋण तीन मिल चुका है। यहां पर आना चाहिए था जीरो, क्योंकि दिए गए समीकरण का दायां पक्ष क्या है, जीरो है, और जब हमने हल किया है तो ऋण तीन आ रहा है, अतः
तो अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया, समीकरण के विविक्तर या फिर विभेदक ज्ञात कीजिए। दोनों एक ही मतलब होता है, विविक्तर बोल दे या फिर विभेदक बोल दे। तो यहां पर हमें एक वर्ग समीकरण दिया गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2017 सेट ए। इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट बी में और सेट सी में भी पूछा गया था। तो विभेदक ज्ञात करना मैंने आपको सिखा चुका हूं, हमने एक नंबर वाले क्वेश्चन पर ही डिस्कशन कर लिया था। अब ये क्वेश्चन अगर दो नंबर में पूछ ले तो कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा क्या कि दिए गए समीकरण को उतार लेना है। तो यहां पर मैंने लिखा दिया है समीकरण, चलिए क्या समीकरण दिया है इसको बताइए। हमें समीकरण दिया गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमें समीकरण दिया गया है। चलिए हम क्या करेंगे बताएं, हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर एक। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं एक लाइन, क्या लाइन लिखूंगा देखो। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना हम करने जा रहे हैं मानक वर्ग समीकरण। मानक वर्ग समीकरण क्या होते हैं बच्चों, चलिए बोलिए। मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से करने पर तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी का मान मिलने वाला है। आ जाइए बिल्कुल, देखो अब इधर देखो, देखो पहले वाले पद को देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की गुणांक क्या है, एक है, गुणांक एक को हम लिखते नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक ही जगह यहां पर क्या बैठा हुआ, एक बैठा हुआ है, तो ए बराबर हमें मिल चुका एक, बिल्कुल सर क्लियर है। फिर बी एक्स है और यहां पर ऋण टू एक्स है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बी का मान क्या होगा तो आपका जवाब होना चाहिए सर ऋण दो है, बिल्कुल ऋण दो है। फिर सी का मान क्या होगा, तो सी की जगह यहां पर क्या दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है, वही हमारा सी का मान हो गया। हमें पूछा क्या गया था, विविक्तकर या विभेदक, तो हम इसको निकाल लेते हैं। अतः विभेदक और विभेदक को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। विभेदक डी बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है, ऋण दो की घात में लग जाएगा ये दो, माइनस 4, ए की वैल्यू यहां पर एक है, एक चिपका दो, एक्स की सी की वैल्यू क्या है, एक है, एक को रख दिया मैंने। चलिए इसको आगे हल करते हैं, देखो ऋण के घात में आपको दिख रहा है सम संख्या धन में आएगा, दो की घात दो करेंगे ये हो जाएगा चार, ये हो चुका चार। देखो अब यहां पर ऋण चार का गुणा करेंगे एक से, तो ऋण चार का गुणा फिर से करेंगे एक से, तो ऋण चार हो जाएगा, तो चार और चार कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल चुका, डी बराबर हमें मिल चुका है शून्य। अतः दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक या फिर विविक्तर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल एंसर। दो नंबर के लिए पूछे या फिर एक नंबर के लिए पूछे, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर एक नंबर के लिए पूछे जाएंगे तो आपको ये स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना रहेगा। अगर दो नंबर के लिए पूछे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन में तो पूरा इसको आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए, पूरे में पूरा अंक आपको मिलने वाले। आ जाओ चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दिया गया हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रश्न क्रमांक 3, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल बराबर 6 दिया गया है, मूलों का गुणनफल बराबर दिया गया ऋण 9, और ये पूछा गया था 2017 सेट बी। इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट ए और सेट सी में भी पूछा गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल कर देंगे। देखो तो चूंकि ये क्वेश्चन दो नंबर के लिए पूछा गया था तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो तो पहली बात जो हमें दिया गया है उसको मैं उतार देना चाहूंगा, ठीक है। तो दिया है क्या क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल और मूलों का योगफल इसको हम प्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सिक्स, ये हमें दिया गया, बिल्कुल दिया गया है, सिक्स दिया गया है। उसी प्रकार से हमें क्या दिया गया है, तथा मूलों का गुणनफल, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो ये लिखा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो ये हमें दिया गया है ऋण 9, क्या दिया बच्चों, ऋण 9 दिया गया। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर, चलो आ जाओ। हमें पूछा कि आ गया है हमें बनाना है वर्ग समीकरण, अतः वर्ग समीकरण
वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि वर्ग समीकरण हम कैसे बनाएंगे। अतः वर्ग समीकरण बनाने का आपको एक चीज यहां पर याद रखना जो मैं लिखने वाला हूं, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वर्ग समीकरण बनाने से संबंधित। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसका मान हमें पता है, बस चिपका देना है। तो ये एक्स स्क्वायर कोई चेंज नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर ही लिखाएगा। माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 6 है, और साथ में गुणा में एक्स भी है, एक्स को भी मैंने लिख दिया, ठीक है सर, बिल्कुल। प्लस है तो प्लस का मैंने चिन्ह लगाया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, ऋण 9 है, तो यहां पर मैंने लिखा ऋण 9 बराबर ये हो चुका 0, ठीक है सर, बिल्कुल कहानी क्लियर है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स को मैंने कोई चेंज नहीं किया, यहां पर ब्रेकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस का इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू जीरो। ये बन चुका हमारा वर्ग समीकरण। तो जो हमें मूलों का योगफल दिया गया था और मूलों का गुणनफल दिया गया था, वहां से हमने एक समीकरण बना लिया है, वर्ग समीकरण बना लिया, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक नंबर के लिए पूछे या फिर दो नंबर के लिए पूछे, इस तरह से आप अपने आंसर को लिखने वाले हो, पूरा पूरा अंक मिलने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया प्रश्न क्रमांक 4 बहुत ज्यादा सरल होने वाला है, और इस प्रकार का क्वेश्चन याद कीजिए मैंने आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन पर बता चुका हूं, ठीक है। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल याद कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां पर हमें मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है। और यह पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2020 सेट सी। इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट ए और सेट बी में भी देखने के लिए मिला हुआ था। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत ही छोटा सा बनने वाला है। आ जाओ देखो, सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे क्या, तो जो हमें समीकरण दिया गया ना उसको मैं एक लाइन उतार लूंगा। तो दिया है समीकरण, चलिए बोलिए क्या हमें वर्ग समीकरण दिया है। तो ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमें मानक एक वर्ग समीकरण दिया गया, ठीक है सर, बिल्कुल। अब सेकेंड लाइन में हम करेंगे क्या, देखो सेकेंड लाइन में मैं क्या करूंगा, दिए गए समीकरण की तुलना ही करते हैं ना, और तुलना हम किससे करते हैं, दिए गए समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण। हमारा मानक वर्ग समीकरण क्या होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से करने पर। तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ए बी सी का मान। आइए ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। देखो चलिए आइए, तो अब आपका पूरा जो फोकस है वो मानक वर्ग समीकरण और ये जो समीकरण दिया गया उस पर होना चाहिए। यहां पर एक से स्क्वायर का गुणांक आपको कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि एक है, ये बात क्लियर है कि सर, बिल्कुल क्लियर है। एक से स्क्वायर और यहां का एक से स्क्वायर दोनों कैंसर, तो एक ही जगह हमें यहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा, एक देखने के लिए मिलेगा, तो ए बराबर हो चुका एक, बिल्कुल। फिर यहां पर बी एक्स दिख रहा है, यहां पर ऋण पांच एक्स दिख रहा है, यहां का एक्स और यहां का एक्स कैंसल, तो बी की जगह अगर मैं लिख दूं ऋण पांच तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बी का मान क्या आ चुका, ऋण पांच आ चुका, बिल्कुल सर। फिर सी की जगह यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है छह, तो सी बराबर अगर छह लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होनी चाहिए, सी बराबर हमारा आ चुका छह। हमें पूछा कि आ गया है मूलों का योगफल तथा गुणनफल, दोनों चीज एक साथ पूछ लिया गया, बिल्कुल निकाल लेंगे। अतः मूलों का योगफल, अतः मूलों का योगफल, योगफल और मूलों का योगफल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, होता है ना, पहले वाली क्लास में मैंने इस फॉर्मूले को लिखवा दिया था। माइनस, पहले मैंने माइनस का चिन्ह लगाया, बी के वैल्यू यहां पर दिया गया ऋण पांच में, तो ऋण पांच लिखा मैंने, फिर बटे में आ जाएगा एक, तो एक लिखा। चलिए इसको आगे हल करते हैं, आगे क्या करेंगे, तो ऋण का गुणा होगा ऋण के साथ, तो ये हो जाएगा धन, तो ये हो चुका पांच, नीचे के पांच एक को लिखने की जरूरत नहीं है। तो मूलों का योगफल हमें मिल चुका है पांच, क्या मिल चुका, पांच मिल चुका, बिल्कुल सर। चलिए आइए अब हम निकालने वाले हैं तथा मूलों का गुणनफल, योगफल निकाल लिए तो गुणनफल भी निकाल लेंगे,
गुणनफल, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, सिक्स है, अपॉन में क्या है ए है, तो ये हो जाएगा एक। ठीक है, चलो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर का बस छह लिखा जाएगा, नीचे के एक को लिखने की जरूरत नहीं है। अतः दिए गए वर्ग समीकरण में मूलों का योगफल पांच और गुणनफल क्या है छह है, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो लास्ट लाइन में बिल्कुल बिल्कुल लास्ट लाइन में अपने आंसर को लिखना रहेगा, तो लिखेंगे कैसे, चलिए। अतः मूलों का योगफल, अतः मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या था, पांच बराबर पांच, तथा गुणनफल, तथा गुणनफल क्या मिला, छह मिला, बराबर छह है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, लास्ट लाइन में आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे में पूरा अंक मिलने वाला है। तो दो नंबर के लिए पूछे, तीन नंबर के लिए पूछे, या फिर एक नंबर के लिए पूछे, जैसा पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, दो नंबर के लिए भी पूछते हैं क्वेश्चन, और कभी कभी तीन नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ना चाहेंगे, खत्म हो गया। देखो प्रश्न क्रमांक चार, प्रश्न क्रमांक चार, यानी कि चार टाइप के ही क्वेश्चन अभी तक के आपके दो नंबर वाले पे ही पूछे गए हैं। ये चार टाइप के ही क्वेश्चन आपको करना है, और बाकी कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी टाइप के ही क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।